ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट महक सिंह सैनी ने बयान जारी कर बताया कि 18 अप्रैल 2021 को उत्तराखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी की वर्चुअल रैली आयोजित की जा रही है, जिसको राष्ट्रीय संयोजक व लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनमानस को भी आमंत्रित किया गया है। उत्तराखंड प्रदेश की 70 विधानसभा को वर्चुअल रैली में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं एवं जनता की सुचारू व्यवस्था के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कल उत्तराखंड के आम जनमानस के लिए बदलाव का बहुत बड़ा दिन है और जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी वर्चुअल रैली के माध्यम से उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। वर्चुअल रैली के लिए प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड दिनेश मोहनिया देहरादून रहेंगे और आयोजित होने वाली वर्चुअल रैली की मॉनिटरिंग करेंगे। प्रत्येक विधानसभा स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और जिला हरिद्वार की प्रत्येक विधानसभा पर कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल रैली के माध्यम से उत्तराखंड में एक आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड दिनेश मोहनिया देहरादून रहेंगे और आयोजित होने वाली वर्चुअल रैली की मॉनिटरिंग करेंगे। आपको बता दें कि प्रत्येक विधानसभा स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिला हरिद्वार की प्रत्येक विधानसभा पर कार्यक्रम तय किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कल उत्तराखंड में वर्चुअल रैली कर रहे हैं और दिल्ली से सीधा उसका प्रसारण है और 70 की 70 विधानसभाओं पर वर्चुअल रैली की तैयारी हो चुकी है और ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी रैली है। 70 की 70 विधानसभाओं पर लोगों ने बड़ी बड़ी एलसीडी का प्रबंध किया है और कल भारी संख्या में लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता जनपद चमोली के पिंडर घाटी में चल रहे बैसाखी मेले के क्रम में असेड़ मेले में महामृत्युंजय महादेव के दर्शनों के लिए मेलार्थियों का सैलाब उमर पड़ा। श्रद्धालुओं ने महामृत्युंजय महादेव की उत्सव डोली और भूमियाल देवता के नाजन इशारों पर अक्षत व पुष्प वर्षा कर खुशहाली की मनौतियां मांगी। वही इस अवसर पर असेड़ गाँव के पटानगढ़ चौक में महामृत्युंजय महादेव की डोली के साथ अन्य देवताओं के नाजन इशारों के ढोल दमाउल के तालों पर नृत्य कर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मित्रों, ये अषाढ़ का मेला जो है 15 अगस्त चैत के महीने से प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर विधिवत 15 अगस्त से पूजा प्रस्थान शुरू हो जाती है और जिस वर्ष बैसाखी 13 को आती है, 13 अप्रैल को, उस वर्ष 22 अगस्त को यहाँ रैली पड़ती है हमारी और जब 14 को आएगी, इस वर्ष 14 को आई तो 23 अगस्त को होती के लिए रैली पड़ी और अषाढ़ मेले के लिए 25 को पड़ी है। विधिवत पूजा अर्चना के बाद पुजारी जी मंदिर में ही रहते हैं, एक टाइम उनका भोजन बनता है, दो टाइम स्नान होता है। इस प्रकार बैसाखी दिन प्राचार देवता यहाँ पर बैसाखी के अगले दिन जो है देवताओं को सारे। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरिद्वार महाकुंभ मेले को प्रतीकात्मक रूप से आयोजित करने की अपील का साधु संतों में सकारात्मक असर देखने को मिला। सन्यासी संतों के बाद बैरागी अखाड़ों के संतों ने भी उनका समर्थन किया है। निर्मोही निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े के संतों ने बैरागी कैंप में प्रेस वार्ता कर कहा है कि हरिद्वार महाकुंभ मेला प्रतीकात्मक नहीं हो सकता, लेकिन वो 27 अप्रैल को प्रत्यक्ष रूप से शाही स्नान करेंगे। निर्वाणी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास महाराज ने कहा कि देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए वो कुंभ मेले में आने वाले भक्तों, अनुयायी और श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि वो सीमित संख्या में कुंभ मेले में हरिद्वार आए। वहीं निर्वाणी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत धर्मदास महाराज ने कहा कि 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान में बैरागी संत प्रत्यक्ष रूप से शाही स्नान करेंगे। यह जो है पावन कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ की जो है स्वरूप में लेके हम लोग यहाँ पावन गंगा के तट पे बैठे तो जो है माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे कि आज पूरा देश क्या पूरा विश्व में जो कोरोना नाम की महामारी चल रही है उसके लिए जो है सब लोग जो है उसके नियमों का पालन करें। उत्तराखंड सरकार की भी जो गाइडलाइन होगी, यहाँ के प्रशासन की जो गाइडलाइन होगी, उसके नियमों का हम पालन करेंगे, लेकिन अपनी परंपराओं को ध्यान में रख के
तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये लोगों को आह्वान करूंगा, देश दुनिया जो आस्था और धर्म से जो है जुड़े हुए लोग हैं, यह कुंभ मेला में कम से कम लोग आवे, क्योंकि जो है महा फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।